जस्ट परफेक्ट फॉर द डे टाइम. इसकी पैंट्स की फिटिंग बहुत अच्छी है एंड द कलर इज गिविंग न्यूली मैरिड ब्राइड्स. हाई एवरी वन, दिस इज अनीशा. वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल द एक्सप्लोरिंग ब्यूटी. आज की वीडियो के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दिवाली आउटफिट इंस्पो. हाँ, मुझे पता है मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर रही हूँ दिवाली से, लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू पोस्ट ताकि आप लोग फटाफट से अच्छी अच्छी सी शॉपिंग कर लो. और पता है मेरे को ना इतने अच्छे सुंदर सुंदर ऑप्शंस मिले अंडर ₹2000 ओनली. तो मुझे लगता है जब हम ऐसा कुछ फेस्टिव आउटफिट वगैरह खरीदते हैं तो 2000 इज अ नाइस बजट फॉर एन आउटफिट, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है आपको. और ये सिर्फ 2000 के ही नहीं है, उससे कम के भी हैं. आई थिंक स्टार्ट हो रहा है कुछ 1200 समथिंग से. सो आपके पास ऑप्शंस है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो. यू नो द ड्रिल. Subscribe to my channel, hit on the bell icon and please do follow me on Instagram for more regular updates. Now let's get started. तो पहले मैं शुरू कर रही हूँ बहुत ही हल्के हल्के आउटफिट से. तो पहला जो मेरे पास आउटफिट है वो है ये सूट का सेट. तो ये सूट सेट है 3-piece सूट सेट एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लाइम ग्रीन कलर. बहुत ही ब्राइट कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है एक्चुअल में आप देखो तो. एंड इट्स प्योर कॉटन फैब्रिक और इसमें आता है आपका एक दुपट्टा, देन पैंट्स मिलती है आपको एंड अ कुर्ता. तो ये है स्ट्रेट फिट कुर्ता एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड इंडो एरा. इसकी मुझे क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी एंड आई थिंक दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर द डे टाइम. जैसे दिवाली वाले दिन ना इसको पूरा दिन के टाइम पर पहन सकते हैं. दिस इज जस्ट परफेक्ट क्योंकि पूरा कॉटन का है तो काफी कंफर्टेबल आउटफिट है. या फिर भाई दूज वगैरह के लिए बहुत ही अमेजिंग आउटफिट लगा मुझे ये. सो दिस इज दैट यू नो हल्का सा हल्का फुल्का आउटफिट अगर पहनना है दिवाली पे, इवन दिवाली पूजा के टाइम पे भी पहन सकते हो. मतलब पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा हैवी आउटफिट पहनना पसंद है या फिर लाइट वेट पहनना पसंद है. तो मैंने इस पे ना ऐसे सिल्वर कलर के बड़े बड़े झुमकास पहने हैं और मैंने इसके नीचे हील्स पहनी है ताकि एकदम यू नो थोड़ा सा लुक को ऐसे एलिवेट कर दे. तो ऐसे मैंने स्टाइल किया है और बालों को मैंने ऐसे कर्ल वर्ल करके और पीछे थोड़ा सा बांध लिया है, हाफ बांध लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसकी क्वालिटी एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है. इट्स 1219 rupees का ये मुझे पड़ा. दिस इज इन स्मॉल साइज और ये मुझे अच्छे से फिट भी होता है. इट्स जस्ट दैट कि जो इसके पैंट्स है ना वो मेरे वेस्ट पर से हल्की सी लूज है तो इसको मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा. वैसे मेरा वेस्ट साइज जो है वो है 26 to 28, लाइक 28 मुझे अब आ जाता है. आई हैव गेन्ड वेट अ लिटिल बिट तो तब से मेरे को 28 आ जाता है. तो तब भी मतलब ये मेरे को थोड़ा सा लूज है. बाकी इसका कुर्ता वगैरह का फिट एकदम परफेक्ट है, मुझे एकदम लेंथ वगैरह बहुत अच्छी लगी. नेक्स्ट आउटफिट इज दिस कॉर्ड सेट विच आई एम वेयरिंग. ये जो फैब्रिक है ना दैट इज शिफॉन वाला फैब्रिक, बहुत ही पतला सा ब्रीजी सा फैब्रिक है और इसके नेक लाइन पर बहुत सुंदर पैचवर्क दिया हुआ है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसे गोल्डन शेड में और द कलर इज रॉयल ब्लू. तो बहुत ही एकदम इसे रिच वाइब्स दे रहा है ये कलर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लाइक फेस्टिव फुल फेस्टिव वाइब्स दे रहा है. तो ये कॉर्ड सेट है एंड इसके नीचे जो है ना वो धोती वाली पैंट्स है विच इज़ अगेन अ नाइस स्टाइल. और जो कुर्ता मतलब जो ऊपर का टॉप है ना दैट इज़ काफ्तान स्टाइल. तो मुझे लगता है कि काफ्तान स्टाइल इज़ वेरी इन फैशन, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है. और दिस इज़ आई थिंक जस्ट परफेक्ट फॉर अ दिवाली कार्ड पार्टी लुक. तो अगर आपको किसी भी दिवाली कार्ड पार्टी का इनविटेशन आता है देन यू कैन वेयर दिस आउटफिट, बहुत ही अमेजिंग लगेगा. अगेन दिस इज़ इन स्मॉल साइज और जो इसका प्राइस है दैट इज़ 1499 का है, विच आई फील इज़ टोटली गुड क्योंकि इसकी क्वालिटी वाइज भी अच्छा है. इट्स जस्ट दैट कि ये थोड़ा सा ना ऐसे वो है लाइक ट्रांसलूसेंट है बट दैट इज़ इट्स स्टाइल. इसमें कोई लाइनिंग नहीं है अंदर तो उसका थोड़ा सा पंगा है. अगर आपको लाइनिंग चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज़ अंदर कोई भी डार्क शेड का कोई भी ऐसे स्पेगेटी टाइप्स कुछ पहन लो तो
आपका काम हो जाएगा। एंड आई पेयर्ड इट विद बड़ा बड़ा झुमकास, और मैंने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना कलर को, तो मैंने पिंक कलर के स्टोन वाले झुमका और गोल्डन मिक्स ऐसे पहने हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। और मैंने रिंग भी डाली ऐसे बड़ी सी, ताकि एक ऐसे स्टेटमेंट रिंग से काफ़ी अच्छा लुक आता है। और मैंने इसके नीचे ना जुत्तियाँ पहनी हैं, जो मुझे लगता है जो इसकी धोती पैंट्स है ना, उसको बहुत अच्छा लुक दे रही है, मेरे पैर को इलोंगेट कर रही है वो, तो इसलिए। एंड या आई रियली रियली लाइक्ड दिस आउटफिट, द कलर इज रियली नाइस, रिच वाइब्स दे रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आउटफिट इज दिस 3-piece set, जिसमें पैंट्स मिलती है एंड देन क्रॉप टॉप, और उसके ऊपर एक जैकेट है, लाइक केप टाइप जैकेट है। एक्चुअली इट्स अ केप ओनली, वो जैकेट बना दिया गया है उसको, बट इट्स इन ब्लैक कलर, ब्लैक और गोल्ड की डिटेलिंग है इसमें, और बहुत ही सुंदर ऐसे जरी की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरी जैकेट पर गोल्डन कलर की, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसी की वजह से पूरा लुक जो है वो काफ़ी ऐसे सुंदर सा आ रहा है, ऐसे गोल्डन शेड जो है वो निखर कर आ रहा है। एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जनस्या, और ये भी मैंने स्मॉल साइज में ही मंगवाया है, और इसकी पैंट्स की फिटिंग बहुत अच्छी है, एंड आई वुड से कि जो क्रॉप टॉप है वो भी बहुत अच्छा है। एंड इवन पता है, सिर्फ ये दिवाली आउटफिट पे ही नहीं, ये जो क्रॉप टॉप है ना, जो ब्लाउज टाइप का क्रॉप टॉप है, वो बहुत ही जगहों पर मैं यूज़ कर सकती हूँ उसको, लाइक अलग अलग, मान लो अगर मेरे को साड़ी पहननी है तो मैं साड़ी के साथ भी उसको पहन सकती हूँ, बिकॉज ये साइड में जिप है तो बहुत ही ईजी है उसको बंद करना खोलना, और एकदम प्लेन ब्लैक है तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है मेरा और भी आउटफिट्स के साथ। अगर मुझे कुछ ऐसा आउटफिट बनाना हो, मिक्स एंड मैच करना हो, तो उसमें मुझे बहुत काम आएगा वो। एंड इवन विद द पैंट्स ऑल्सो, पैंट्स को मैं किसी भी क्रॉप टॉप के साथ पेयर कर सकती हूँ, तो इस आउटफिट को मैं काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से पहन सकती हूँ, विच आई रियली लाइक्ड। और जो जैकेट है ना, उसका जो काम है, दैट इज़ लाइक सो सुंदर, वेरी वेरी प्रिटी। इसमें बड़े बड़े जरी के फ्लावर्स बने हुए हैं, और बीच बीच में ऐसे सीक्वेंस का काम हो रखा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड दिस आउटफिट कॉस्टेड मी 1,999, तो ये 2,000 रुपये का मुझे पड़ा, विच आई फील कि ठीक ठाक प्राइस है इसका, सही प्राइस है, क्योंकि इसको मैं बहुत जगहों पर रीयूज़ कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो ये पूरा आउटफिट भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इवन नॉट ओनली फॉर दिवाली, इसको ना आई कैन ऑल्सो वेयर इन अ वेडिंग फंक्शन ऑल्सो, लाइक कॉकटेल पार्टी वगैरह कुछ है ऐसा, तो उसमें आई कैन वेयर दिस। एंड द नेक्स्ट आउटफिट इज दिस सूट सेट, जो कि 3-piece suit set है, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनारकली सूट सेट है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दिस इज़ इन स्मॉल साइज़, और ये भी आई थिंक ये इंडो एरा ब्रांड का है, और इसका ना मुझे दुपट्टा इतना सुंदर लगा, ऐसे बांधनी वाला दुपट्टा है इसका फुल, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसके दुपट्टे की। एंड साइड में बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं बहुत सुंदर, ऐसे गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है। इसकी जो पैंट्स है और जो कुर्ता है वो बहुत ही मतलब बड़ा है, और साइज़ भी मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था, लेकिन वो मुझे एक्चुअल में लूज़ है साइज़। एंड द कलर इज़ गिविंग न्यूली मैरिड ब्राइड्स, तो आई थिंक ये अभी करवा चौथ भी आ रहा है, तो करवा चौथ के लिए अच्छा ऑप्शन है। द फैब्रिक इज़ इट्स नॉट कॉटन, बट इट्स कॉटन एंड रेयॉन मिक्स जो होता है ना, मोडाल कॉटन जैसे होता है वैसा फैब्रिक है, थोड़ा मोटा वाला फैब्रिक है, तो अच्छा रहेगा। एंड द स्लीव्स आर ऐसे यहाँ तक वाली लेंथ है स्लीव्स की, और स्लीव्स में भी बॉर्डर लगा हुआ है, पैंट्स में भी बॉर्डर लगा हुआ है, ऑल दो पैंट्स मेरी दिख नहीं रही हैं इसमें बिल्कुल भी, बट इसके साथ पैंट्स भी है। अगर आप मुझसे लंबे हो या मुझसे थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो, देन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से फिट आएगा, और इवन आपकी पैंट्स भी दिखेंगी इसमें। मेरी हाइट 5'2" है जैसा मैंने बताया, तो उसकी वजह से ये मतलब जो कुर्ता है ना वो ज़्यादा ही लंबा है, सो उसके लिए फिर मैं तो मेरे मतलब इतना लंबा तो मैं नहीं पहनूंगी, तो आई विल रिटर्न दिस वन, क्योंकि मेरे काम का नहीं है। एंड आई गॉट दिस वन फॉर 1,699 रुपीज़। लास्ट आउटफिट इज़ वेरी ब्राइट एंड वेरी नाइस एंड फन आउटफिट, तो ये मैंने इसका ना शॉर्ट्स भी डाले थे, यूट्यूब शॉर्ट्स डाला था मैंने इस आउटफिट में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इट्स एक्चुअली अ ड्रेस, मतलब ऐसे कुर्ता है कट स्लीव्स का, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, इट्स अ कट स्लीव्स कुर्ता ओनली, तो ये कुछ ऐसे कट स्लीव्स का है, तो अगर आप सिर्फ इसको पहनना चाहें तो आप सिर्फ इसको भी डाल सकते हो, और इसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पर एक ऐसे केप आ जाता है, दुपट्टा टाइप से दुपट्टा लगेगा
बट है वो केप, ताकि आपका दुपट्टा बार बार स्लिप ना हो, तो वो उन्होंने केप बना दिया है और बहुत ही अच्छी फिटिंग वगैरह आई है इसकी। एंड द कुर्ता इज़ फुल लेंथ, लाइक फुल मेरे नीचे तक आ रहा है और इसमें कोई पजामी वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइक पैंट्स वगैरह कुछ नहीं है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वो वैसे भी दिखनी नहीं थी क्योंकि फुल लेंथ है इसका। एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, शिफॉन है, एंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम बहुत अच्छा है, कढ़ाई बहुत अच्छी हो रखी है, यहाँ पे पूरा पैच वर्क है नेक पर, जिससे वो बहुत सुंदर लग रहा है। और जो इसका घेर है ना, वो फुल अनारकली घेर है, तो काफ़ी अच्छा खासा घेर है, लाइक आप ट्वर्ल वगैरह करोगे ना ऐसे फोटोज़ वगैरह के लिए, तो बहुत सुंदर आएगा। इवन आप अगर मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे तो मैंने उसमें ट्वर्ल भी लिया है, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था उस टाइम पर। एंड आई गॉट दिस इन स्मॉल साइज और ये मुझे पड़ा था 1899 रुपीज़ का, विच आई अगेन फील कि इट्स वर्थ द प्राइस, इसकी क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है एंड पीछे इसमें बटन भी है तो आप आराम से ईजिली पहन सकते हो इसको। सो ये कुछ आउटफिट्स ऐसे हैं जो हैसल फ्री और एकदम ईजी पीजी, ऐसे आप ईजिली उनको कैरी कर सकते हो। इस टाइप के कुछ कुछ आउटफिट्स हैं जो आजकल मॉडर्न वाइब्स भी देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सारे ही आउटफिट्स मॉडेस्ट है, तो मेरे पास ये चीज़ बहुत बार आती है कि यार मॉडेस्ट आउटफिट्स भी दिखाओ हमेशा। हर कोई कट स्लीव्स या फिर स्ट्रैपी आउटफिट्स नहीं पहनता है, हम लोग को स्लीव्स वाले या फिर फुल लेंथ वाले कुछ तो आउटफिट्स चाहिए। तो ये मॉडेस्ट ऑप्शंस हैं कुछ जो बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, स्टाइलिश भी लग रहे हैं और आपको पूरा कवर भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। एंड आई थिंक ये सारे ऑप्शंस आप सभी को बहुत पसंद आएंगे या आए होंगे। सो अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको सारे आउटफिट्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर पिंड कमेंट में भी मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट या फटाफट से ले लो ये आउटफिट्स, क्योंकि दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है और ये सभी बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उससे पहले आप लोग शॉपिंग कर लो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस कर दो बेल आइकन को भी, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पर मुझको, ब्लेंड बाय अनीशा इज़ माय यूज़र नेम। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।